सबरी के बेर सुदामा के तामुले सबरी के बेर सुदामा के चावल बरी के बेर सुदामा के तामुले सबरी के बेर सुदामा के चावल प्रेम सहित ये प्रेम सहित के रुचि रुचि भोग लता रसिया आजी रुचि रुचि भोग लता रसिया राम रसिया रे मारा मन बसिया राम रसिया रे मारा मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ सरयू नदी को मैं नीर मंगायो सरयू नदी को मैं नीर मंगायो गंगा जल को नीर मंगायो गंगा नदी को नीर मंगायो प्रेम सहित प्रेम सहित जल पियो रसिया सहित जल पियो रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया आज रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया राम रसिया जी मारा मन बसिया बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया आज रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया पान सुपारी को बीड़ो तो बनायो 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 प्रेम सुपान तुम आओ रसिया रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया हाजी रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया राम रसिया जी मारा मन बसिया राम रसिया जी मारा मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया आजी रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया वेसन वजन तो तेरे गुण गावे वेसन वजन तो तेरे गुण गावे
हरि चरणन में शीश झुकावे, हरि चरणन में शीश झुकावे, भक्ति दान मोए देव रसिया, भक्ति दान मोए देव रसिया, हमको तो झूठन देव रसिया, हमको तो झूठन देव रसिया, ई रुचि रुचि भोग लगाओ आजी, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, राम रसिया रे मारा मन बसिया, राम रसिया रे मारा मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, आजी रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, बड़े भाव से चारों भाइयों को कलेवा कराया गया। कलेवा करने के बाद में जनवा से गई दोपहर का भोजन, फिर राजसी खेल, फिर संध्या का भोजन और फिर शयन। दिन के ऊपर दिन, दिन के ऊपर दिन बीते जा रहे हैं। राम जी की बारात जनकपुर में कितना दिन रही पता है? अलग अलग संतों ने अपने अलग अलग मत कहे हैं, एक संख्या कहीं नहीं मिलती, इसलिए तुलसी जी ने संख्या नहीं लिखी। तुलसी जी ने लिख दिया बहुत, जब दिन ज्यादा हुए तो वहां लिख दिया बहुत, और जब दिन कम हुए तो वहां लिख दिया कछुक। संख्या लेके लिख के विवाद में नहीं पड़ना, इसलिए बहुत और कछुक लिख दिया। कई संत कहते हैं कि राम जी की बारात जनकपुर में 30 दिन रही, कई कहते हैं 64 दिन तक रही, और एक जगह तो पढ़ने आया कि राम जी की बारात 6 महीने रही। पहले बारातें ज्यादा दिन रहती थी, 7-7 दिन, 9-9 दिन। बचपन में बहुत छोटे थे हम, तब हम भी एक ऐसी बारात में गए थे जो 5 दिन रही थी, और 3 दिन तक तो अभी तक रहती थी बारातें। फिर 3 दिन की जगह 2 दिन हुआ, 2 दिन की जगह 1 दिन हुआ, अब 1 दिन की जगह 1 घंटा हुआ। हा हा हा, क्या हमने तरक्की की है बताइए, तरक्की की कि नहीं की? बोलिए, इससे बढ़िया तरक्की क्या हो सकती है? हमारे सामने दोनों बैठे हैं, दोनों भाई, इनका कैटरिंग का काम, ये इवेंट का काम है, टेंट वाले, ये लोग बहुत, जहां पंडाल लगाते हैं, टेंट लगाते हैं विवाह में, तो बफर सिस्टम लगाते हैं। लगाते हो कि नहीं लगाते हो? क्यों श्याम जी, सही कह रहा हूं? अब बताइए महाराज, राजस्थानी में कहावत है कि भाई उबो उबो ऊंट खाया करे, मिनक कोनी खावे। हमारे लोग कभी खड़े होके नहीं खाते थे, खड़े होके भोजन कभी करना ही नहीं चाहिए, अन्न का बहुत बड़ा अपमान होता है। भोजन करने का तरीका ही हम भूल गए, और कभी कभी तो बड़ा हंसा आता है जब हम कभी कहीं ऐसे आयोजन में जाते हैं, कोई साल दो साल में एक आध बार, बाकी हमें तो जाने का मौका ही नहीं मिलता महाराज, कहीं जाते ही नहीं है, कुछ कहीं खाते ही नहीं है, तो जाएं क्या, और खाने जैसा मिलता ही नहीं, खाएं क्या? अब बताइए, वहां बफर सिस्टम लगा हुआ है, वो प्लेट लेके जाता है, आहा, बड़े से बड़ा करोड़पति आदमी तंदूर वाले को जाके कहता है एक रोटी दे दे,
नहीं मांगता हो तो बोलो भिखारी की तरह। और कभी तो ऐस भीड़ ज्यादा हो जाती है तो ए कब से खड़ा हूं, एक देना इधर इधर, कब से खड़ा हूं इधर से। और वो तंदूर वाले भी पक्षपात करते हैं, वो खड़े रहे भी। क्या उन्नति की है देश आप लोगों ने। लोग कहते हैं कि परोसने वाले नहीं है, गलत है आपका कहना। हम तीर्थों पे कथा गाते हैं, हजारों लोगों का भंडारा होता, वो भी एक दिन नहीं, पंद्रह पंद्रह दिन, एक एक महीना तक सबको बिठा के प्रसाद करवाते हैं, रुचिकर भोजन करवाते हैं बिठा के। पर इसका झूठा वो खाएं, उसका झूठा वो खाएं, उसका झूठा वो खाएं, बताओ। नहीं खाते हो तो बताओ, एक हाथ में प्लेट है, एक हाथ से खा रहे हो तो जिस हाथ से खा रहे हो और दूसरे हाथ से प्लेट है तो दूसरा हाथ झूठा हुआ कि नहीं हुआ, ईमानदारी से कहिए। हो गया तो फिर अगर एक पूरी ली थी खत्म हो गई तो दूसरी लेने के लिए तीसरा हाथ कहां से निकालोगे, कैसे करोगे, बोलिए। समाज इतना संकुचित हो गया है, इतना विवाह का आनंद ही खत्म हो गया। विवाह के जो जो रीति रिवाज जो उत्सव थे वो समाप्त हो गए। अब बारात कहां रहे, बारात निकलती है तब तो कई लोग चलते हैं, लेकिन बारात जब मुख्य द्वार पे पहुंचती उस समय घर वाले ही रहते हैं, बाकी वाले तो खाए प्लेट डाले धम, चाहे दूल्हा ब्याया चाहे कुंवारा रहा, महाराज क्या फर्क पड़ता है। नहीं तो भोजन करते थे साथ में बैठते थे दो दो चार चार समधिगण, एक दूसरे को निवाला देके मनवार करके भोजन करते थे, समधन गाली गाती थी, विवाह का तो वो आनंद था महाराज। अब गाली गाए किसे, कहां। मैंने कह रहा ये जो बूढ़ी माता है उनको तो समधियों को गाली देना आता है, और अभी जो नई वाली है अब लोगों को आता है बेटा, आता है? नहीं आता। लो राजेंद्र जी की बहुओं को भी नहीं आता, तो आपके को पूछेंगे, इन्हीं को पूछा और किसको पूछे, क्योंकि जब वो मिला ही नहीं रिवाज, और ये बूढ़ी वाली माताएं सुनाए किसे, जो उनको भी नहीं मौका मिलता। अब जो अंदर वाला अंदर ही जाएगा, तो ये जो परंपरा है वो समाप्त हो, धीरे धीरे हमारे रीति रिवाज समाप्त हो रहे हैं। विवाह के बाद में देवताओं को जात दी जाती, देते कि नहीं देते, आपके यहां नहीं देते, देते हैं ना, तो उस जात का अर्थ क्या होता है, दुल्हा दुल्हन के मिलने से पहले वो जात दी जाती है, लेकिन विवाह करके चले गए और जब कोई छोरे के गड़बड़ हो या किसी के कुछ गड़बड़ हो तो किसी कि जाकर पूछें तो कहा आपके देव दोष है, तो फिर बुढ़िया को याद आती, अरे भाई जात तो दी को नहीं तो हमें बूढ़ा हरा दो, छोरे ने कहा कि मैं गाली उड़ो मारा। मैं ये नहीं कहूंगा लेकिन इसको इस स्थिति में पहुंचाया किसने, जोर से बोलिए किसने पहुंचाया इस स्थिति में, कभी आप विचार करें ये स्थिति क्यों हुई, किसने पहुंचाया इस स्थिति को, हम लोगों ने पहुंचाया, किसी और ने नहीं पहुंचाया। प्रेम खत्म हो गया, मानस यही हमें सिखाती है। अगर जीवन के दर्पण को देखना हो तो मैं तो कहता हूं मानस को पढ़ो और सुनो, समझ में आ जाएगा जीवन क्या है, जीवन के सूत्र क्या है। एक एक प्रसंग हमारे जीवन को जोड़ के हुए चलता है, एक एक प्रसंग।
अभी तो कोई समधी किसी समधी के घर जाए, जाके दो घंटे रहे तो समधी पूछते हैं आप आज रहोगे कि सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? समधी बेचारा क्या कहे, हाँ साथ जाएंगे, हमारे भी काम है, क्योंकि समधी जी तो पहले से ही कहे, पहले पूछते नहीं थे, पहले कोई किसी के घर अतिथि मेहमान जाता था ना तो ये नहीं पूछते थे कि चाय लोगे कि कॉफी के दूध, चाय बन के आती थी। आजकल तो जैसे ही जाते क्या लोगे, चाय लोगे कॉफी लोगे के दूध। एक मेहमान, एक भाई के घर एक मेहमान गया तो वो सज्जन ने कहा आप चाय लोगे कि दूध, वो भी बड़ा कम नहीं था, वो कहा ऐसा कहो चाय बने जब तक दूध ले आओ, चाय बनने में समय लगेगा तो पहले दूध ले आओ, दूध पी ले पीछे चाय पी लेंगे, सीधी सी बात है। भोजन के लिए पूछते नहीं थे, लेकिन आजकल विशेष मेहमान आते हैं ना तो सभ्य लोग उनको कहां भोजन करवाते हैं पता है? थोड़ा जोर से बोलिए, होटल में। आहा, घर पे नहीं। विशेष मेहमान आते हैं या विशेष कोई सनेही आता है तो घर चलो चलो आज होटल में चलते हैं, तो क्यों घर में काहे को नहीं खाते, होटल में खिलाएं। जागिए महाराज, अगर मेरी बात आपको थोड़ी बुरी लगेगी लेकिन मैं कड़वा बोलता जरूर हूं, पर इतना आप लोगों के हित के लिए बोलता हूं कि अगर समझोगे तो ये समाज में ये हमारी संस्कृति बच जाएगी, नहीं तो वो समय दूर नहीं कि भारत को अमेरिका बनाने में महाराज, हम विकास में तो बने ना बने लेकिन विचारों में जरूर बन जाए, इसमें कोई दो राय नहीं। तटस्थ रहते हो क्या, समय आ गया है। प्रेम सब सिर्फ किताबों में रह गया, सिर्फ किताबों में। अगर सोचिए राम जी की बारात छोटे से छोटा समय 30 दिन का भी माने तो 1 महीना तक जनकपुर में रही तो कुछ तो जनक जी का प्रेम रहा तब रही, नहीं तो रह सकते क्या? बोलिए, हम किसी के घर में रह सकते हैं? न तो आप रह सकते हो न रखने वाला रख सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग संगी नहीं रहे, एकांकी हो गए। घर में 3 पुत्र हैं, तीनों का विवाह होते ही 3 बहुएं आए, 4 बहुएं आए या 2 बहुएं आते ही खिटपिट चालू हो जाती हैं। फिर कहते हैं घर छोटा पड़ गया है। घर छोटा नहीं हो रहा है, मन छोटा हो रहा है, घर छोटा नहीं है। रहने के लिए एक खाट चाहिए, एक बिस्तर चाहिए सोने के लिए महाराज, और जितना साथ में रहोगे प्रेम उतना ही रहेगा, जितना दूर रहोगे उतना प्रेम कम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। साथ में रहोगे तो हाँ जरूर विचारों में मतभेद कभी कभी होता रहेगा, क्योंकि हमारे राजस्थानी में मारवाड़ी में कहे कि भाई 4 बर्तन ही कने पड़िया रहे तो खड़खड़ाट करिया करे, लेकिन उनको भी यथायुग रखोगे तो वो शांति से वो भी पड़े रहते हैं। साथ में रहने से प्रेम होता है, आप इससे समझ सकते हैं। अगर कोई आपका मित्र है, वर्षों तक आप साथ रहे और वो आपके शहर को छोड़ के कहीं दूसरे शहर जाएगा तो पहले पहले दिन आप दिन में 2 बार फोन करेंगे, 3 बार करेंगे, 15 दिन तक 2 बार 3 बार फोन करेंगे, फिर दिन में 1 बार फोन करेंगे, फिर 2-3 महीने में महाराज 2 दिन में 1 बार करेंगे, और 6 महीने के बाद में हफ्ते में 1 बार करेंगे, और 2 साल बाद महीने में 1 बार करेंगे, और 5 साल बाद होली दीपावली पे करेंगे महाराज, और 10 साल हो जाएंगे तो मित्र का नाम ही डिलीट हो जाएगा। इतने में समझ गए,
जितना संग में रहोगे चाहे, इसलिए कहते हैं संत महात्मा कि भगवान से प्रेम करना है तो भगवान के नाम से हर क्षण जुड़े रहो ताकि प्रेम बना रहेगा, जितने अलग रहोगे तो प्रेम कम होगा। दशरथ जी नित्य सुबह उठते हैं, तुलसी जी कहते हैं जो मानस लाए हैं बालकांड 331वें दोहे के तुरंत नीचे की पंक्ति, देने उठी विदा अवद पति मांगा, देने उठी विदा अवद पति मांगा, इरा अवध पति मांगा राखौं जनक सहित अनुरागा। रोजाना सुबह होते ही महाराज दशरथ जी जनक जी से कहते हैं कि राजन आज हमें विदा कर दें। जनक जी कहते हैं आज आज रुक जाइए, कल हम आपको विदा कर देंगे। तुलसी बाबा ने लिखा बहुत दिवस बीते एही भांति, ऐसे बहुत दिन बीत गए, रोजाना दूसरा दिन होता, फिर कहते हैं कल, फिर कहते हैं कल, फिर कहते हैं कल। जनु स्नेह रजु बंधे बराती, स्नेह की रस्सी से सभी बराती बंधे हुए हैं, पर कहते हैं संतगण के किसी के घर ज्यादा दिन नहीं रहना चाहिए। कवि गंग ने कहा है बुरो प्रीत को पंथ बुरो पर घर में बासो, के बुरो नारी संग नेह बुरो मूरख संग हासो, बुरी सूम की सेव बुरो भगनी घर भाई, के बुरी नार कुलक्ष सास घर बुरो जमाई,
बुरो पेट पंपाल बुरो सुरन में भागणो कवि गंग कहे सुन सा अकबर के सबसे बुरो है मांगण। इस संसार में कई चीजें बहुत बुरी हैं। प्रीत का रास्ता, प्रीत यानी प्रेम का रास्ता सबसे बुरा है। बुरो प्रीत को पंथ। माता मीरा ने कहा, जो मैं ऐसो ये जान तीरे काना, अरे प्रीत किया दुख होए रे ये सांवरिया मारा, प्रीत किया दुख हो नगर ढींडो रो पीट तीरे काना, ए नगर ढींडो रो पीट तीरे काना, अरे प्रीतन की जो कोई रे ए सांवरिया मारा, प्रीतन की जो माता मीरा कहती है, कन्हैया अगर मैं ये जानती कि प्रेम करने से इतना दुख होता है, नगर में मैं ढिंडोरा पीट के एक ही बात कहती कि कोई किसी से प्रेम ना करना, क्योंकि मैंने किया है मेरी दशा क्या हुई। घड़ी पलक नहीं आवड़े रे काना, ए तुम दर्शन बिन मोये रे ए सांवरिया मारा, तुम दर्शन बिनु। दशा क्या हुई मेरी, मीरा जी कह रही है, मैं कैसे समय बिता रही हूं। दिन रे गवायो मैं तो खाय मेरे काना, रेण गमाई सोय रे ए सांवरिया रे मारा, ए रेण गमाई सो हृदय गवायो मैं तो वीर मेरे काना, आदि नैन गवाया रोय रे ए सांवरिया मारा, नैन गवाया रो ए घड़ी रे पलक नहीं आवड़े रे काना, ए तुम दर्शन बिनु। दिन तो मैंने खा के बिताया, रात मैंने सो के बिताई, तेरी याद में हृदय मैंने विरह में व्याकुल करके और आंखें मैंने रो रो के खो दी। मेरी दशा क्या है, अनन भावे नींद न आवे काना, बिररे सतावे ए सांवरिया मारा, वीरे सतावे मो ए घायल सी गो मतड़ी फिरू रे मैं तो, ए घायल सी गो मतड़ी फिरू रे मैं तो, दर्द न जाने कोई रे ए सांवरिया मारा, दर्द न जाने कोई। बुरो प्रीत को पंथ, प्रेम का रास्ता बुरा है। और बुरो पर घर में बासो, किसी के घर ज्यादा दिन जाके नहीं रहना चाहिए। किसी के यहां अतिथि मेहमान बन के जाओ
चार बजे चाय का समय होता है, अमूमन हमारे घरों में चार साढ़े चार बजे शाम की चाय पीते लोग, और चार बजे चाय का समय और पांच बजे तक चाय नहीं आए, और कहो क्या बात है आज चाय नहीं आई, तो घर वाले कहें दूध वाला नहीं आया, तो सोचो जाने में फायदा है, फिर नहीं रहना चाहिए। एक आदमी के घर मेहमान आए, आए तो आए ऐसे आए, जम के बैठ गए, जाने का नाम ही ना ले हमारा। पांच दिन हुए, दस दिन हुए, पंद्रह दिन हुए, बीस दिन हुए, एक महीना हो गया, वो घर का मालिक अपनी पत्नी को कहे, अरे सुन जी अलमारी की चाबी लाओ। उसने कहा क्या है अलमारी में, कभी कुछ लाके रखा तो नहीं। अरे तुझे कहा ना अलमारी किताबी लाके दे। तो बात क्या चाहिए कर, देख करना क्या है। उसने कहा अलमारी को खोल के देखता हूं ये मकान मेरे नाम है कि इनके नाम है। मेहमान कहने लगे इतने नाराज काहे को होते हो, चले जाएंगे। तो फिर जाओ ना, कब जाओगे? तो कह कल चले जाएंगे। अब जैसे ही तैयार हुए मेहमान कल जाने का कहा, उस घर वाले मालिक ने सोचा कहीं पता जाना कहीं रद्द न कर दें, इसलिए पहले इनको गाड़ी में बैठाए फिर ही काम पे जाएंगे। वही उनकी अटेची वटेची लेके रेलवे स्टेशन आया, गाड़ी आई तो भीड़ ज्यादा थी। ओ मेहमान कहने लगे भीड़ ज्यादा। उसने कहा अरे हम जगह कर देते हैं। और वो जैसे ही लोग उतरे वो दोनों अटेची लेके गाड़ी में घुस गया, भीड़ ज्यादा थी, बाकी लोग उतरते रहे, वो तो चला गया अंदर, लेकिन जिसको जाना था वो रह गए, गाड़ी चली गई। अगले स्टेशन उतरा, सामान लेके वापस आया, जैसे तैसे करके लाके अटैची डाली नीचे। ओ मेहमान घर वापस आ ही गए कि महाराज नाराज क्यों होते हो, खाने खा दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिखा हुआ होता है। उसने कहा दाने दाने पे नहीं, बोरी बोरी पे। महीना एक हुआ है खाते हुए, अरे दाने दाने पे लिखा हुआ। कोई के घर ज्यादा दिन नहीं रहना चाहिए, इसलिए दशरथ जी कहते हैं हमें विदा करें। आज सदानंद जी ने, विश्वामित्र जी ने समझाया, और जनक जी ने जानकी जी को विदाई करने की तैयारी की, रनिवास में संदेश भिजवाया कि कुंवरियों को तैयार करें, आज बारात को विदाई करेंगे। जो ही रनिवास में ये समाचार मिला, तुलसी बाबा कहते हैं चलते बारात सुनत सब रानी, चलते बारात सुनत सब रानी, विकल मीन गान जनु सास ससुर गुरु सेवा।
बारात की विदाई का रनिवास में रानियों ने सुना है। तुलसी बाबा कहते हैं, जैसे किसी तालाब किसी पोखरे में पानी कम हो और उस पानी में रहने वाली मछली जैसे व्याकुल हो जाती हैं, वैसे रानियां व्याकुल हो गई। सुनैना जी जानकी जी को हृदय से लगा के सिख और आशीर्वचन दे रही है, कह रही है जानकी, हो संतत पियही पियारी। ए बेटा, अब हमेशा पति की प्रिया होना, चिरु ऐ बात असीस हमारी, आपका सुहाग अचल रहे यही मेरा आशीर्वाद है। ये तो आशीर्वाद दिया पर सिख क्या दी, कहा बेटी ससुराल जा रही हो, सास ससुर गुरु सेवा करियो, सास की ससुर की सेवा करना। लेकिन कहते कहते सुनैना जी अधीर हो गई, कहने लगी जानकी, राम बड़े संकोची हैं, वो तुम्हें कभी कुछ कह करने को कहेंगे नहीं, इसलिए बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखना, पति रूखल की आ यीशु अनुसरी हो। पति के रुख को देख के आज्ञा का पालन करना। कहने लगी मां, सियाजू नारी का जीवन नदी की धारा है, नदी जब अपने उद्गम स्थान से चलती है तो उसके लिए कोई राह बना के रखता नहीं है, बीच में कई पहाड़ कंटीली झाड़ियां उबड़ खाबड़, पर वह अपना रास्ता स्वतः ही बना के सागर में जाके मिल जाती है। वैसे ही नारी का जीवन है, जीवन में कई बार कितनी ही प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, लेकिन फिर भी वो अपने विवेक अपने धैर्य के आधार पे अपने जीवन को अंतिम मुकाम तक ले जाती है। इसलिए तो मैथिली शरणगुप्त ने कहा, नारी जीवन तेरी हा यही कहानी, आंचल में दूध और आंख में पानी। सुनैना जी ने जानकी जी को शिक्षा दी। इधर चारों भाई राम लखन भरत शत्रुघ्न रनिवास में विदाई के लिए चले। जब जनकपुर के लोगों को यह समाचार मिला, सबके सब मुख्य राह पे खड़े हैं, एक दूसरे से कहते हैं, दर्शन कर लें, क्या पता जीवन में पुनः दर्शन का योग बने न बने, कौन जाने। चारों भाई जा रहे हैं, सभी जनकपुर के लोग चारों भाइयों के दर्शन कर रहे हैं। राम जी रनिवास में आए और आते ही मेरे प्रभु ने सुनैना जी को सासु मां को प्रणाम किया। मेरे प्रभु के शब्दों को देखिए, राम जी ने क्या कहा। राम जी हाथ जोड़ के सुनैना जी से कहने लगे, रावदपुर चलन सीधा विदा हो न मैया पटा हे, रावदपुर चलन सीधा। राम जी हाथ जोड़ के कहने लगे, पिताजी अवध जाने को तैयार हैं और हम भाइयों को आपसे विदा लेने भेजा है,
सोनेना जी ने कहा तो राम जी कहने लगे, मात मुदित आया सुने बालक जान करई नितने हूँ, बालक जान करई नितने हूँ। राम जी ने हाथ जोड़ के कहा, मां आहा एक बात हमेशा ध्यान रखें, इस समाज में बड़ी विकृतता है, बड़ी। जो व्यक्ति ये चाहता है कि मेरी पत्नी मेरे माता पिता की सेवा करें, उसे अपने सास ससुर का भी उसी भाव से सम्मान करना चाहिए। मैं तो कई बार कथा में कहता हूं कि अपनी सास में अपनी माँ में अंतर ना देखें, अपने पिता में अपने ससुर में अंतर ना देखें, उनका भी उसी भाव में सम्मान करें जैसे माता पिता का करते। जो ही मेरे प्रभु ने सुनैना जी से कहा, मां हमें आज्ञा दे, तुलसी जी कहते, सुनत बचन बिल खैर निवासो कन सकाई सने बस सासू। राम जी के वचनों को सुनते ही पूरा रनिवास बिलकोटा सने के कारण सुनैना जी मेरे प्रभु को कुछ कह न पाए। माताओं ने पुत्रियों को पास में लिया, हृदय से लगाया, पतियों के हाथ में हाथ सौंपते हुए सिख दी है। पर सुनैना जी राम जी से कहती हैं, परिवार परिजन मोइरा जय प्राण प्रिय सिय जान भी तुलसी सुशील सने हूं लकी करी किंग करी करी मान भी। दोनों हाथ जुड़ गए सुनैना जी के राम जी के सामने, कहने लगी, राम जी ये जानकी परिवार जन को महाराज को मुझे प्राणों के समान प्रिय है, ए तुलसीदास के इसे हमेशा अपनी सेवा में रख। ऐसा कह के अस कही रानी चरण गहिरा प्रेम पंक जनु गिरा अमाने। ऐसा कह के सुनैना जी राम जी के चरणों में जो कि राम जी ने कहा, ये क्या कर रही हैं आप, राम विदा मांगत करे जोरी राम विदा मांगत कर जोरी। राम जी बार बार हाथ जोड़ के विदा मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं हमें विदा कर दे। सखियां जानकी जी को लेके चली हैं, जैसे नहीं ब्याही हुई धेनु अपने बछड़े से दूर नहीं रहती, वैसे ही माताएं दौड़ के पुत्रियों से लिपट पड़ती हैं। माताओं की इस दशा को देख के
सीता जी की सखियां राम जी से कहने लगी, अरे पहुना क्यों मिथले में रहुना। अरे पहुना, आप मिथले में ही क्यों नहीं रुक जाते? जो सुख आपको ससुराल में मिलेगा वो सुख आपको अन्य कहीं नहीं मिलेगा। हम आपकी खूब सेवा करेंगे। क्या कह रही है? रोज सवेरे उबटन मलिए इत्र से न लाव इत्र से न लाव। एक महीना के भीतर में आ कलिया से गोरी बनाई ब कलिया से गोर बनाई ब झूठी नहीं मोरी बानी बतिया अरे कर मौका दोना क्यों मिथले में रहना। अरे पहुना क्यों मिथले में रहना। अब मिथले में ही क्यों न रह जाते? हम आपकी खूब सेवा करेंगे। रोजाना सुबह हम आपका उबटन उतारेगी, स्वच्छ और सुगंधित जल से आपको नहलाएगी। उससे क्या होगा? अब जो काले हैं ना, आप काले से गोरे हो जाएंगे। हम आपको झूठ नहीं कह रही, एक बार कम से कम आप हमें मौका देके तो देखो। राम जी ने कहा हम नहीं रह सकते, तो क्या कह रही है? हम रानी हो रा रघुवर से माने आना माने माने आना माने पर ससुरालीन के नाते परताप अपने जाने परताप अपने जाने। या तो तुम मिथिला में रहियो या तो तुम मिथिला में रहियो या अपने संग में लहुना क्यों मिथले में रहना। पहुना क्यों मिथले में रहना। हम तो आपसे आग्रह कर सकती हैं, रहना नहीं रहना आपका, पर एक बात कहें, राम जी ने कहा अगर आप नहीं रहते हैं तो कम से कम हमें अपना तो मान लें। राम जी कहने लगे आप सभी मेरे ही तो हो। कहा अगर आप हमें अपना मानते हैं तो एक काम कीजिए, या तो तुम मिथिला में रही हो या तो आप यहां मिथिला में रह जाइए, और अगर आप यहां नहीं रहते हैं तो हमको अपने सन में ले लीजिए। आहा, सियाजू के बिना हम कैसे रहेंगे? सखियां कह ही रही थी उसी समय जनक जी आए। तुलसी बाबा कहते हैं जो ही जनक आए हैं जानकी जी पिता से विदाई लेने पास में गई,
सिय विलोकी धीरता भागी रहे कावत परम विरागी लीन पूरी लाई जानकी मिट्टी मर जाते ज्ञान की मिट्टी मर जात ज्ञान लीनी राउ उर लाई जानकी। जैसे ही जनक जी ने जानकी जी को हृदय से लगाया, तुलसी बाबा कहते हैं आज ज्ञान की मर्यादा मिट गई, जनक बालक की भांति रोने लगे। एक बात ध्यान रखे, जनक कौन है? परम वैराग्यवान है। मिट्टी महा मरजात ज्ञान की मर्यादा मिट गई आज। पर बेटी की विदाई हो, संसार में ऐसा सुनने में आया है कि इकलौता बेटा मर जाए पर पिता के आंख में आंसू न आए, ऐसा सुनने में आया है। पर ऐसा कभी सुनने में नहीं आया कि बेटी की विदाई हुई हो और बाप रोया ना हो। महाराज बेटी पात्र ही ऐसा है। देखिए वो नरसिंह इकलौता बेटा संसार छोड़ के चला गया। नरसिंह जी को कहा कि पुत्र मर गया। नरसिंह जी ने कहा कोई बात नहीं, भला हुआ जो चला गया। पर वही नरसिंह नानी बाई को रोते देखते हैं तो कहते हैं हे कन्हैया प्यारा एक रिया जा रे, हे कन्हैया प्यारा इधर से दिखा जा। अपने लिए जीवन में इतनी जिल्लत सही, लेकिन नरसिंह ने कभी बुलाया नहीं। आज वह बेटी को रोते देखा तो कहने लगे बिलख रही ए मारी लाडली दया थाने कोनी आवे ए कन्हैया ए बाई ने धीरज बदा जा। मेरी बेटी एक चुनरी के लिए रो रही है, ओ द्रौपदी के लिए तूने साड़ियों का ढेर लगा दिया, एक चुनरी नहीं मिली तुझे मेरी बेटी के लिए? अभी तक ऐसा कहीं सुनने में नहीं आया कि बेटी की विदाई हो और बाप के नेत्र सजल नहीं हुए। समुझावत सब सचिवा सयाने धीरज की न कुआव सर जाने, धीरज की
मंत्री समझाने लगे, महाराज अगर आप इस तरीके से धैर्य त्याग देंगे तो जानकी पे क्या बीतेगी, संभालिए अपने आप को। तुलसी जी कहते हैं, बारह बार सुता उरिलाई सजी सुंदर पा लकी मंगाई बहुविधि भूप सुता समुजाई नारी धर्म कुल रीत सिखाई। बार बार बेटी को हृदय से लगाया, बार ही बार सुता उर लाही सती सुंदर पालखी मंगाई बहुविधि भूप सुता समुझाई और नारी धर्म कुल रीत सिखाई। नारी धर्म और कुल की रीति समझाई, जानकी को पालकी में बिठा के विदा किया है। आज बेटी को विदा किया, सद धज के सुंदर श्रृंगार करके जानकी पालकी में बैठ के ससुराल गई। लेकिन जनक जी वापस बेटी से मिले कब? चित्रकूट में। आभूषण नहीं है, मात्र एक साड़ी पहनी हुई है और पांव में भी कुछ पहनने को नहीं है। जिस बेटी को पालकी में बिठा के विदा किया, आज वह बेटी नंगे पर महाराज वन में घूम रही है। जानकी को उस रूप में देखा, जनक जी रो पड़े, कहां है तुलसी बाबा ने वहां? जनक कहने लगे, पुत्र पवित्र किए कुल दो जानकी, तूने एक नहीं दो कुलों को पावन कर दिया, दो कुलों को। आज मुझे इस बात का अभिमान है कि मैं तुम्हारा पिता हूं। बेटी ससुराल जाती है और पिता जब ससुराल में उसे लेने जाए या मिलने जाए और ससुर कहे बेटी का कि आपकी पुत्री हमारे घर आए, हमारा घर धन्य हो गया, हम अहोभाग्यशाली रहे कि आपकी बेटी हमारे घर आए, हमारे घर को स्वर्ग बना दिया, तो उस पिता का हृदय सीना चौड़ा हो जाता है, हृदय फूल जाता है। लेकिन वही बेटी ससुराल जाए, आगे आप सभी जानते हो, मुझे कहने की जरूरत नहीं। पहले ऐसे नहीं होता था, इस समाज में ऐसा कभी नहीं हुआ। ये तो कृपा रही विज्ञान की कि आज ये दशा हो गई है, क्या कहें। पहले बेटे अलग होते थे तो रोते थे कि हम अपने माता पिता को अपने साथ रखेंगे, एक एक कहता था मैं अपने साथ रखूंगा। समय कितना बदला कि आज बेटे कहते हैं कि तुम रखो माता पिता को, दूसरा कहता है तू रखो। कभी कभी तो बड़ा दुख होता है कि चार बेटों को पाल पो सके योग्य बना देते हैं माता पिता दो मिलके, उन चार बेटों की सब आवश्यकताओं को पूरा करते हैं माता पिता, लेकिन समय आने पे वो चार बेटे दो माता पिता को रख नहीं सकते। महाराज जैसे मौसम बदलता है वैसे बूढ़ा बूढ़ी की खाट बदलती है, 3 महीने तुम रखो, 3 महीने तुम रखो।
तीन महीने। मैं उन सभी युवा भाइयों से कहूंगा एक बात जीवन में जरूर ध्यान रखें, सब कुछ मिल जाता है संसार में, आपको संसार के समस्त भोग मिल जाएंगे, लेकिन भोगों को तो आप तभी तक भोग पाओगे जब तक जवानी है। लेकिन ये ना सोचिए कि आज आपके माता पिता बूढ़े हुए कल आप नहीं होंगे, आप भी बूढ़े होंगे, रोज दिन आपको माता पिता के उस समय का एहसास होगा, तब तक तो समय चला जाएगा, चला जाएगा। सब कुछ मिल जाता है इस संसार में, सब कुछ मिलना सहज है, अगर नहीं मिलता है तो एक ही चीज नहीं मिलती, और वो नहीं मिलती है माता पिता की सेवा। बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जिनके जीवन में, मैं तो कहता हूं उनके जीवन में माता पिता है, और वो अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, वो बड़े भाग्यशाली हैं। और वो लोग अभागे हैं कि जिनके माता पिता होते हुए भी वो उनके आशीर्वाद से वंचित हैं। हमारा संसार एक सागर है, संसार एक सागर है, तो माता पिता उसमें नाव है, जिसने की सेवा उनकी तो उनका बेड़ा पार है, जिसने दुखाई आत्मा वो डूबता मझधार है, माता पिता परमात्मा मिलते न दूधी बार है। संसार में सब मिल जाता है, एक दिन रोवोगे चीक पुकार के, हे माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के, हे माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के। Mata
अपनी मूर्ति निहारते। Thank you.
सहारा मिलता ना जोग तुझको जीवन में दोबारा माता की ममता रे पिता का सहारा जीवन में प्राणी तुमको मिले ना दोबारा योगी तू तो पी ले इनके चरणों को पुकार के माता पिता की अपनी मूर्ति तैयार के माता पिता की अपनी मूर्ति तैयार के एक दिन रोवोगे अपने मूर्ति निहार के हे माता पिता की अपनी बड़े अभागे लोग होते हैं जिनके जीवन में माता पिता होते हुए भी वो उनकी सेवा से वंचित रहते हैं। ये जितने ही रिश्ते हैं ना, अब कभी विचार कीजिए, आप घर में जाते हो, पत्नी सीधा कहेगी इतना समय कहां लगा दिया, बेटा कहेंगे हमारे लिए क्या लाए, और जब मां देखेगी ना तो सर पे हाथ रख के कहेगी बेटा तू आ गया, तू है तो ठीक, तूने कुछ खाया, ये एक वही पूछेगी और कोई नहीं पूछेगा। और जब ये बेटी को शिक्षा दीजिए, कहिए उसे कि तुम जिस घर में जा रही हो बेटा, वो जो तेरे पति के माता पिता है वो मेरे जैसे हैं। जीवन में कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए पर बेटा उनको दुख ना हो, ये यत्न करते रहना, ये प्रयत्न करते रहना। और तभी पिता को प्रसन्नता होती है जब बेटी का ससुर कहता है आज कहा है जनक जी ने जानकी से पुत्री पवित्र किए कुल दो हूं, विदा किया है बेटी को, ये नहीं पता था जनक जी को कि पुनः ऐसे मिलना होगा, बहुत दूर तक पहुंचाने आए, वापस नहीं जा रहे थे, दशरथ जी ने कहा वापस जाइए, अब वापस जाइए, जनक जी जा नहीं रहे थे, दशरथ जी ने बारात को रोक दिया, अगर आप वापस नहीं जाएंगे तो हम आगे नहीं जाएंगे। जनक जी जाने को तैयार हुए, मानस के इस प्रसंग को देखिए, समधि का क्या प्रेम होता है। जनक जी हाथ जोड़ के दशरथ जी से कहने लगे करो कवन विधि विनय बनाए महाराज मोहे दीन बड़ा, आपकी विनम्रता को मैं बना के नहीं कहता, जिनके आतिथ्य के लिए इंद्र इत्यादि लाइट रहते हैं, आप मेरे नगर में आए, इतने दिन तक मुझे सेवा का अवसर दिया, देव अगर कहीं हमसे त्रुटि हो गई हो तो हमें अपना समझ के माफ करिएगा,
जो ही ये कह के जनक जी नीचे झुके, दशरथ जी ने उठा के जनक को हृदय से लगाया। दोनों समधी मिले पर दोनों समधियों की आंखों में आंसू बह रहे हैं। ये प्रेम है समधी का मारा, ऐसे नहीं अपने हमको दिया क्या, अपने हमारी सेवा नहीं कही, नहीं। अरे ये मिले जो तो मिले, लेकिन जब दशरथ जी संसार से विदा हो गए, जनक जी को जब पता चला है तो जनक गए थे चित्रकूट में, मानस गवाह है, चित्रकूट का वो प्रांगण गवाह है। वह जनक बालक की भांति रोए और मेरे तुलसी बाबा ने लिख दिया, अब गाई शोक समुद्र सोती नारी नर व्याकुल महा दे दोष सकल सरोस बाम विधि कीनो कहा मुनि सिद्ध जोगी तापस देखी दशा विदेह की। वहां मुनिगण सिद्ध योगी तपस्वी ऋषियों ने जब जनक को रोते देखा है बालक की भांति, कौन स्नेह की सर्दी सरिता को पार पा सकता है मारा, स्नेह ही तो ये प्रेम है, एक समधी सा प्रेम। एक बात मैंने कल भी कही थी, पुनः कहूंगा, हमेशा कहता हूं कथा में, जितने अपने आसपास है, जितने आपके परिचित हैं, मैं तो हमेशा कहूं सबसे प्रेम करो, अपनी तरफ से किसी को दर्द मत दो माता, सबसे प्रेम करो। जीवन में कुछ नहीं चलने वाला, ये अहम न चलेगा, न धन चलेगा, न ये व्यवस्था चलेगी, अगर सबसे प्रेम करते रहो तो कम से कम आत्मा में ये संतोष तो रहेगा कि हमने सभी को सुख ही दिया, किसी को दुख दर्द नहीं। जाना निश्चित है, आज नहीं तो कल सबको जाना है, इस संसार में स्थिर कोई नहीं है। जनक जी वापस आए, दशरथ जी बारात लेके अवध आए हैं, गुरुदेव की आज्ञा पाके शुभ मुहूर्त के साथ बारात अवध में प्रवेश की। तीनों माताओं ने सुंदर आरती की थाली तैयार करके चारों पुत्र पुत्र वधुओं की आरती उतारी, भीतर ले गई। जो लौकिक वैदिक रीति है सब करवाई, दशरथ जी ने सब बरातियों का सम्मान किया। शाम हुई, महाराज महल में आए, कौशल्या जी से कहा, रानी ए बहुए पराए घर आई हैं, बदु लरिकन पर घर आई, राखों पलक नयन की नाई, अपना मैका छोड़ के पराए घर आई, इसे ऐसे रखना जैसे पलकें आंखों को सजो के रखती हैं। एक बात कहूंगा, किसी की बेटी को ब्याह के घर लाएं तो सास की जिम्मेवारी बहुत बड़ी होती है महाराज, बहुत बड़ी। अगर सास ये चाहे कि बहू मेरी सेवा करें तो मैं तो एक कहूंगा, बहू की सेवा की अपेक्षा मत करो, आप अपनी बहू को अपनी बेटी से ज्यादा स्नेह करो महाराज, बहू स्वतः ही सेवा करेगी। सास मत बनो, मां बनो, क्योंकि किसी को जीतना है, किसी को अपना बनाना है तो उसको प्रेम दो महाराज, प्रेम दोगे तो दुनिया आपके पीछे रहेगी, प्रेम दोगे तो सास मत बनो। अपनी बेटी को स्नेह भले कम करो पर बहू को ज्यादा, जबकि होता उल्टा है, माताएं बेटी को ज्यादा करती हैं और बहुओं को थोड़ा। विचार कीजिए, वो अपना मां का घर छोड़ के आती हैं, अपने सभी परिजनों को छोड़ के आती हैं, एक नए घर में आती हैं, उसे जितना स्नेह और प्रेम की जो चाहत होती है, उसे उस समय उसकी जरूरत होती है, अगर उसे मिल जाए तो मैं कहता हूं कोई बहू विरोधी नहीं हो सकती। और फिर भी अगर विरोधी हो जाए, फिर भी अगर छोड़ के अलग हो जाए,
हंसतो फिरतो। दशरथ जी शयन को गए, कौशल्या जी राम जी से कहने लगे, राघव पुत्र हमने बचपन से आपका श्रृंगार किया, उपटन उतारा नहलाया, ये आपके चरणों में ऐसा क्या जादू है जो पत्थर की शिला को छूते ही नारी बन गई? रावण बाणासुर जैसे वीर कोशिश कर गए, जिस धनुष को एक तिल भर भी हिला न सके, उनको उठा के आपने कैसे तोड़ दिया? ये कोई साधारण मानव का काम तो नहीं है। क्या कह रही है कौशल्या? सकल अमानुष कर्म तुम्हारे। दोहा नंबर 355 के नीचे चले। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा वो सुधारे। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। आज सफल जग जन्म हमारा, देखी तात बिंदु बदन तुम्हारा। आज सफल जग जन्म हमारा, देखी तात बिंदु बदन तुम्हारा। तुम्हें बिनु देखे सो विरंती जनी आ रही लेके। ये दिन गए वो तुम्हें बिनु देखे सो विरंती जनी पार ही लेके। कौशल्या जी कहने लगी, आज मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया, आपके दर्शन करके देखी तात विदु बदनु तुम्हारा। पर आगे कौशल्या जी ने क्या कहा कि एक पंक्ति समझ में आ जाए तो पूरा जीवन समझ में आ जाता है। कहने लगी कौशल्या अम्बा, राघव जे दिन गए तुम ही बिनु देखे, आपको देखे बिना जो जीवन के दिन गए हैं, सो विरंची जन पार ही लेखे। हम विधि से कहेंगे कि वो दिन हमारे जीवन के लेखे ना हो। कितनी बड़ी बात कही। जीवन कितना चला गया उस पर चिंतन करें, और जो गया है सो तो गया है, लेकिन उस गए हुए जीवन में बैठ के ये विचार करें कि कब दो घड़ी आरत भाव से मेरे हरि को याद किया, उस पे चिंतन करें। हम लगे रहे हैं ये कर दें ये कर दें, ये ले आए वो ले आए, ऐसा कर दें,
पर ऐसा होता नहीं है। क्या सोचता रे पागल मनवा, हमारे अतिश्य नहीं पूज्य पाद राजेश आनंद जी गाते हैं, क्या सोचता रे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया, इस झूठे खेल का मूल ही क्या, इस झूठे खेल का मूल ही क्या, कोई यार गया कोई जीत गया, सोच तरे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया, जो बीत गया सो बीत गया, झूठे खेल का मूल यही था, इस झूठे खेल का मूल्य ही क्या, कोई हार गया कोई जीत गया, कोई हार गया कोई जीत गया, क्या सोच करे शब्दों की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिएगा महाराज। हमें चाहे वही हो जरूरी नहीं, हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, आशाएं कभी हुई पूरी नहीं, हमें चाहे वही हो जरूरी नहीं, हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, आशाएं कभी हुई पूरी नहीं, आशाएं कभी हुई पूरी, सोचतनिक जीवन गतता, रे सोचतनिक जीवन गतता, श्वासा जल कितना बीत गया, श्वासा जल कितना बीत गया, हाँ जो बीत
मूल्य ही क्या, कोई हार गया कोई जीत गया, कोई हार गया कोई जीत गया, क्या प्रभु प्रेम पियूष पिया जिसने, प्रभु प्रेम पियूष पिया जिसने, पर हित हित जन्म लिया जिसने, पर हित हित जन्म लिया जिसने, वन है वही जो जन जन के जीवन है, वही जो जन जन के मधु यदिरों का मन बीत गया, मधु अदिरों का मन कमल तब खिलता है, राजेश कमल तब खिलता है, अरे सांझ को कहता है पंकज, अरे सांझ को कहता है पंकज, अम कैसे खिले अब मीत गया, कैसे मिले अब मीत गया, क्या सोचता रे पागल मनवा, क्या
उस जीवन में भगवान को याद कितना किया है। जे दिन गए तुम ही बिनु देखे, सो विरंची जनी पार ही लेखे। कौशल्या जी ने कहा, आज मेरा जीवन सफल हुआ। रात्रि अधिक व्यतीत होते देख सब शयन को गए। धीरे धीरे दिन बीते, आज विवाह की अंतिम रीति थी वह भी पूरी की है। तुलसी बाबा ने लिखा, सुदिन सोदि कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न छोरे। शुभ दिन देख के कंकन खोले गए, विवाह की अंतिम विधि पूरी हुई। विश्वामित्र जी नित्य जाने को कहते हैं, लेकिन दशरथ जी कह रहे हैं, आज रुक जाइए, कल फिर कल फिर कल। तुलसी बाबा बोले, विश्वामित्र चलन नित चाहि, राम स प्रेम विनय बसर। जो ही मुनि जाने का कहते हैं, अवदेश के कहने से रुक नहीं रुकते, पर जो ही राम जी स्नेह से कहते हैं, गुरुदेव आज रुक जाइए ना, कल चले जाइए। राम जी के स्नेह के कारण मुनि रुक जाते हैं, पर बहुत दिन हो गए। आज विश्वामित्र जी ने कहा, राजन अब नहीं रुकेंगे, अब हमें विदा करें। दशरथ जी विश्वामित्र जी को विदा करने चले हैं। सरयू किनारे तक आए, मुनि ने कहा, राजन वापस जाइए। दशरथ जी वापस जाने को तैयार हुए, पर विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अवदेश कहने लगे, नाथ सकल संपदावो तुम्हारी, नाथ सकल संपदावो तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाथ ये समस्त संपदा आपकी है, मैं आपका सेवक हूं, पर एक बात कहूं। दशरथ जी के नेत्र सजल हो गए, अवधेश ने कहा, कहूं। दशरथ जी कहने लगे, देव जीवन की चौथी अवस्था चल रही है, जीवन का कोई पता नहीं कब ऊपर वाले के यहां से बुलावा आ जाए। कितनी बड़ी बात कही है महाराज। हाँ हाँ,
संत से साधु से मांगना हो तो क्या मांगना चाहिए, या इस प्रसंग को समझे। दर्शन जी कहने लगे जीवन की चौथी अवस्था, क्या पता ऊपर वाले के यहाँ से कब बुलावा आ जाए, पर मन की एक इच्छाएं अगर आपकी कृपा हो और पूरी हो जाए। मुनि ने कहा बोलो राजन। राम लखन भरत शत्रुघ्न जैसे पुत्र फिर भी इच्छा, बोलो क्या इच्छा है। चक्रवर्ती जी कहने लगे कर बसदालरी तन पर छो, कर बसदालरी तन पर छो, दर्शन दे अस कहीं राओ सहित सुतेरानी, अस कहीं राओ सहित सुतेरानी, परे उचरण मुके आवन बानी, परे उचरण मुख यावन बानी, सजी कहने लगे जब तक मैं रहूं ये जीवन रहे तब तक आप ऐसा नहीं कि आज जाएं और वापस अवध की तरफ रुख न करें, आप अवध में आते जाते रहिए देव, और मेरे जाने के बाद में मेरे पुत्रों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें महाराज, यही तो मांगना चाहिए। संत से मांगना हो तो यही कहना चाहिए कि इतना आशीर्वाद दें कि जीवन हमें आपसे मिलता होता रहे, क्योंकि संत से मिलने से बड़ा कोई संसार में सुख नहीं है, और संत का मिलना जीवन का सबसे श्रेष्ठ क्षण है महाराज। संत का मिलना, शब्द पे मैं पुनः जोर दूंगा, संत का मिलना। संत वस्त्र से नहीं होता, संत स्वभाव से होता। संत तो कोई जरूरी नहीं है कि जिसने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया वो संत है, संत तो एक जींस और पुशर्ट पहनने वाला भी हो सकता है, क्योंकि संत स्वभाव है, संत आडंबर नहीं है। अगर आपका मन संतत्व है, आपका मन प्रभु में लगा हुआ है, हरिगुण गाते सुनते समय नेत्र सजल हो जाते हैं, और मन अगर परमात्मा के चरणों में दिन रात रत रहता है वो व्यक्ति संत है। तो मैं तो जहां तक सोचता हूं, व्यासपीठ तो यही सोचती है कि उससे बड़ा कौन संत होगा जो मेरे प्रभु को रात दिन याद करता हो, वही तो है साधु। जीवन में इससे बड़ा कुछ नहीं चाहिए कि संत का मिलना क्षण समय समय पे होता रहे। अरे आप तो संतान को जन्म दे के पढ़ा के योग्य बना के उनको व्यापार करने से आपकी जिम्मेवारी पूरी नहीं होती, ध्यान रखिएगा। माता पिता की जिम्मेवारी कब पूरी होती है कि संतान जब बड़ी हो जाए
खुद हरि अनुरागी हो पर संतान को भी भगवत अनुरागी बनाए तब जिम्मेवारी पूरी होती। हमें आशीर्वाद मिला अवधेश कह रहे कोई बात नहीं, लेकिन मैं रहूं न रहूं देव इतना हमें वचन दीजिए कि मेरे जाने के बाद में भी मेरे पुत्रों पे आपका आशीर्वाद बनता रहे। हस कहीं राव सहित सुत रानी परे हूं चरण मुख आवन बानी। ऐसा कह के अवधेश चरणों में गिर पड़े, मुख से शब्द नहीं निकल रहे, रो पड़े। इतना वर दे दीजिए। निश्चय जी ने उठाया, राज ठीक है। और उसी वचन को पूरा करने के लिए विश्वामित्र जी चित्रकूट की सभा में उपस्थित थे। मुनि आश्रम को गए, अवधेश महल आए। तुलसी जी ने यहां प्रथम कांड को विराम किया है, पर विराम करते मेरे तुलसी बाबा क्या कहते हैं, निज गिरा पावी करन का राम जस तुलसी कहो, निज गिरा पावी करन का राम जस बालकांड को विराम करते हुए लिखा। एक कथा में इसलिए नहीं गा रहा हूं कि संसार में मेरी जय जयकार हो, मेरी महिमा का मंडन हो। और ये बात सही है, कथा प्रसिद्धि के लिए नहीं गाई जाती, कथा धन की प्राप्ति के लिए नहीं गाई जाती। कथा का कितना बड़ा महत्व है मालूम है आपको? एक यज्ञ कराना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन 100 यज्ञ कराएं उसके बराबर पुण्य होता है एक मंदिर बनाना।
और 100 मंदिर बनाए उसके बराबर पुण्य होता है एक कथा करवाना। लेकिन कब, इसमें भी शर्त है हमारा कि जब व्यासपीठ पे बैठ के गाने वाला व्यास निष्काम भाव से गाए तब फल मिलता है। लोग कहते हैं कि महाराज कथा करवाते हैं फिर भी फल नहीं मिलता। अब वो गाने वाले का भाव कैसा है, व्यासपीठ से बैठ के अर्थ की कामना करना सबसे बड़ा पाप है, मानस में प्रमाण है इसका। वशिष्ठ कहते बेचही वेद धर्म दुहिले, जो वेदों को जो शास्त्रों को बेचें और जो धर्म के नाम पे चंदा इकट्ठा करें। मैं तो कहता हूं कभी समाज में अगर आपको अग्रणी होना पड़े किसी मंदिर के लिए, किसी संस्था धर्मशाला के लिए, तो एक बात जीवन में याद रखना, कहीं पे भी जाते हो तो चंदे की चाय भी मत पीना महाराज। एक रुपया भी अगर चंदे का अपने निज के ऊपर खर्च हो गया तो एक दो वर्ष नहीं कल्पों कल्प तक नरक भोगना पड़ेगा, नरक महाराज। मैं आपको जो कह रहा हूं मर्जी से नहीं कह रहा हूं। मिलता जरूर है, दान देने वाले खूब हैं, लेकिन लेने वाले को पचाना आना चाहिए। अगर पचाना ही नहीं आता है तो फिर दान पहले देते थे राजा महाराजा, राम जी के विवाह के समय दशरथ जी ने दान दिया दहेज वाला, लेकिन सभी जातक संतोषित हो गए फिर भी पीछे बच गया। अभी मैं कह रहा हूं अगर कोई बड़े से बड़ा धनी व्यक्ति अपना पूरा खजाना खोल दे फिर भी पीछे कुछ नहीं बचेगा, उसके कपड़े फाड़ ले जाएंगे महाराज ले जाने वाले। ले जाने को खुश है, पचाएंगे कैसे? पचाना बड़ा मुश्किल है, ध्यान रखें। और एक बात ध्यान रखिएगा, दान भी उसको देना चाहिए, कुपात्र को दान दियो न दियो, आपका दान जो ले जाके वास्तव में उस दान को सही जगह पे लगाएं और उसका पाचन करें उसको दान दीजिए, ताकि दिया हुआ धन भी यथार्थ में काम आए। लोग पैसा कमा लेते हैं पर दान देते समय ध्यान भी नहीं देते किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए। अभी तो मांगने वालों की फैशन हो गई, देने वालों की भी फैशन हो गई। आदमी पैसा देता है लेकिन अपना नाम बुलवाता है, बुलवाता कि नहीं बुलवाता? 5,000 रुपए आपने दिए, 5,000 रुपए बुलवा दिया, 5,000 लोगों ने सुना कि आपने 5,000 दिए, वो 5,000 जीरो हो गए। पर अगर सुनने वाले 5,000 की जगह अगर 5,00,000 हैं तो 4,95,000 कर्जा ऊपर हो गया। अब बताओ दान किया नहीं उल्टा कर्जा कर लिया। इसलिए दो पर कभी नाम उच्चारित मत कराओ, एक ध्यान रखो, और दो भी तो उस जगह पे दो जहां लगे आपको कि हमारा दिया हुआ पैसा काम आता है। कथा गाई जाती है प्रभु प्रेम के लिए, कथा सुनी जाती है प्रभु को पाने के लिए। प्रभु को पाना, प्रभु को जानना, कथा गाने का सुनने का अर्थ यही है। कथा गाने का अर्थ यह नहीं है कि पैसा इकट्ठा किया जाए। मैं सत्य से आपको अवगत करवाता हूं, एक बात ध्यान रखें, पाप करने वाला पापी होता है लेकिन पाप में जो सम्मिलित होता है वो महापापी होता है, ये भी ध्यान रख ले।
वो तो मांगने वाले मांगेंगे, उनका काम है मांगना, लेकिन अगर आप देते हो तभी तो उनको प्रोत्साहित होता है और वो फिर मांगते हैं तो वो तो पाप कर रहे हैं, पर आप धन देके क्यों पापी बन रहे हो महाराज? देना है तो जाके शम देखो, जहां आवश्यकता है वहां दो, दान देना चाहिए क्योंकि धन्य सो धन प्रथम गति जाकी, लेकिन जहां आवश्यकता हो वहां दो महाराज, जहां आवश्यकता ना हो वहां मत दो। मैं तो गौशालाओं में भी कथा कभी कभी गाता हूं पर आजकल बहुत कम कर दी, बहुत कम, क्योंकि गौशालाओं के नाम पे लोग पैसा तो इकट्ठा करते हैं पर गायों के चारा नहीं, दो पांव के सांड खा जाते हैं महाराज। मुझे कहने में कहीं संकोच नहीं, एक जगह हमने कथा गाई बहुत पहले वर्ष पहले की बात है, ठाकुर जी की कृपा से हमारा संकल्प, हम तो कभी कहते नहीं हैं, लेकिन कथा का था तो लोगों ने मुक्त हाथ से दान किया, पैसा आया। जो गौशाला के संचालक थे उनके पास एक मोटरसाइकिल थी, गौशाला में शेड वेड नहीं बने हुए गायों के, चारा घर नहीं था, पर पैसा आते ही गौशाला संचालक ने गायों के चारे का शेड नहीं बनाया, सीधे एजेंसी गई और बोलेरो लेके आए नहीं। तीसरे दूसरी कथा में हमें मिल गए, हमने तो संकल्प ले लिया हमारा तब से, क्या कहें बताओ, जाओ अपने हाथ से करो, आपको लगता है तो करो। मेरा काम है कहने का, मैं कह देता हूं और मुझे पता है कि मानने वाले आप हो नहीं, पर फिर भी मेरा धर्म है मैं कह देता हूं, बाकी तुम जानो तुम्हारा काम है। हम तो अपने दोष से बाहर निकले, क्योंकि व्यासपीठ का काम है सत्य का दर्शन दर्पण दिखाना। अब मेरे सुनने को आए हैं आप, मेरे परमात्मा हैं, मैं सही कह रहा हूं व्यासपीठ से, मेरे श्रोता, मुझे कई लोग कहते हैं आपने भगवान को देखा, मैंने कहा मैं दिन में 4 घंटे देखता हूं, ये सब आप में ईश्वर ही तो है, आप सभी परमात्मा का स्वरूप हैं। अगर आप नहीं हैं तो इस दास की क्या वैल्यू महाराज बताइए, हमें कौन जानेगा, हमें कौन भजन करना, बात अलग ठीक है बैठ के अपने जगह स्थान पे भजन करें, लेकिन कथा गाते हैं, कथा तभी सफल होती है जब श्रोता आते हैं, और जब श्रोता भाव से सुनते हैं तो किसी वक्त के मन में एक विचार और आता है कि हम भी ऐसा आयोजन करवाएं। और यहां अगर आप लोग नहीं आते, ये 50 लोग ही बैठे रहते तो राजेंद्र जी छोड़िए महाराज, कोई इनका परिचिति आता तो इनको यही कहता कहां इस भगड़ को लाके बिठा दिया, कोई आता ही नहीं है सुनने को, तो ये तो आपका मुझ पे बहुत बड़ा एहसान है महाराज, श्रोताओं का, जो आप लोग हमसे स्नेह करते हो और मानस से प्रेम करके आप आते हो, तो ये तो इस मानस जी का ही चमत्कार है। तुलसी जी ने यही लिखा है, मेरा इसमें कुछ नहीं है, मैं कथा गा रहा हूं क्यों, निज गिरा पावनी करण कारण, अपनी वाणी को पावन करने के लिए, राम यश तुलसी कहो, राम जी के यश को तुलसी जी ने कहा, रघुवीर चरित अपार वारी थी, राम जी का चरित तो अपार सागर है, पार कवि को ने लहो, कौन कवि पार पा सकता है, लेकिन राम जी के इस चरित्र को जो सुनेगा, पहले आप लोग हैं और बाद में जो गाएगा, सुने ही जे सादर गा वहीं, आपके लिए मात्र सुनना लिखा, हमारे लिए एक शर्त डाल दी महाराज, सुने ही जे सादर गा वहीं, सादर भाव से गाएगा, किसके लिए नहीं गाएगा, समझ गए ना, वेदे ही राम प्रसाद थे, उनके जीवन में सीताराम जी का प्रसाद रहेगा और सर्वदा सुख पावहीं, वो हमेशा सुखी रहे।
यही बालकांड को विराम किया। अब देखिए इतनी गति से चले हम तो इस सातवें दिन बालकांड विराम हुआ, अभी छह कांड और पड़े हैं। पर चिंता मत करो, ये हमारा चैलेंज है जयपुर वालों के लिए। महाराज बुलाना तो पड़ेगा, बीमारी लगा के जाऊंगा, पक्की बात है। कि हम ही मना करें तो बात अलग है। पर इसको जितनी बार सुनोगे ना मानस को, जितनी बार मैं कहता हूं उतना ही आपके जीवन में प्रभु प्रेम की आनंद की वृद्धि होती रहेगी, वृद्धि होती रहेगी। मैं रोज गाता हूं 4 घंटे, पर आपको सही कहूंगा उन्हीं मानस की चौपाइयों को गाता हूं, लेकिन 4 घंटे गाने के बाद में भी हृदय में तृप्तता नहीं होती, फिर भी बैठे अकेले रात को भी गाता रहता हूं, सुबह भी गाता हूं, जी नहीं भरता। एक शरीर की एक क्षमता होती है। बाकी सत्य में कहूं मन तो ऐसा करता है कि गाता रहूं गाता रहूं गाता रहूं। तुलसी बाबा ने इतना रस भर दिया इस चौपाइयों में, इतना रस भर दिया। मुझे कई बार कई लोग कहते हैं कि महाराज हमारे आईसी साहब भी कह रहे थे 2 दिन पहले, महाराज आप इतना ऊंचा क्यों गाते हो, इतना ऊंचे पिस से। मुझे कोई कहता नहीं है और मुझे आपको कोई प्रसन्न करके कोई धन नहीं लेना जिसलिए मैं आपको खुश करने के लिए गाऊं, मुझे कुछ चाहिए नहीं आपसे। दिल का फक्कड़ हूं मौज है मेरी महाराज, ये तो मेरे राम जी के प्रेम में मुझे खुद को ही पता नहीं चलता कि मैं इतना कैसे चला जाता हूं। गाता रहता हूं, गाना है, वाणी चलती है जब तक गाएंगे, जिस दिन विराम उस दिन जय जय सिया राम, क्या फर्क पड़ता। दूसरे कांड में प्रवेश किया तुलसी बाबा ने। जब से राम जी विवाह के आए हैं अवध में आनंद ही आनंद है, पर तुलसी जी कहते सबके उर अभिलाष अस कहीं मनाई महे, आप यचत युवराज पद राम ही दे नरेश। सबके मन में एक ही अभिलाषा है, एक ही इच्छा है कि महाराज राम जी को युवराज पद क्यों नहीं दे देते। जब सबके मन की ये इच्छा है तो मेरे परमात्मा ने सुनी। तुलसी जी कहते हैं एक समय सब सहित समाजा, राजे सभार गुरा जगिरा समीप भये सित के
रट पन मस उपधे नपज विराज राम कहां देऊं जीवन जन्म लाभ किन समय सब सहित समाजा राजसभा रघुराज विराजा। दशरथ जी राजसभा में समाज सहित विराजित हैं। दशरथ जी का स्वभाव है राहु स्वभाव मुकुर कर लीना, दर्पण देखने का। अब राजसभा में बैठ के दर्पण नहीं देखना चाहिए, सबकी नजर है, लेकिन दशरथ जी का स्वभाव है। और कहते हैं जाका पड़या जिसा स्वभाव जासी जीव सु, आदत पड़ जाती है ना वो महाराज फिर जाती नहीं है। दर्पण देखने का स्वभाव, तो दशरथ जी ने दर्पण को उठा के देखा तो क्या देखा, मुकुट टेढ़ा हो गया है, राउ सुबाऊ मुकुर कर लीना बदन बिलोकी मुकट समकीना। सीधा किया तो जो ही सीधा किया नजर गई कहां, कान के पास, श्रवण समीप भय सित केसा, कान के पास बाल सफेद हो गए। और ये सफेद बाल संकेत कर रहे हैं मनहु जरठ पनु अस उपदेशा, बुढ़ापा संकेत कर रहा है कि नप जुवराज राम कहूं देहूं और जीवन जन्म लाभ किन ले। कान के पास बाल सफेद होते हैं सबसे पहले, यानी भगवान संकेत करते हैं कि कानों से हम सुनते हैं तो सफेद सात्विकता का घोतक है। मेरा परमात्मा संकेत करता है कि अब संसार की बातों को सुनना बंद कर और अब सात्विक सुन, और सात्विक भगवत कथा है तो हरि कथा सुन, क्योंकि भगवान की कथा सुनेंगे तब ही भगवान के चरणों में प्रीति होगी, और भगवान के चरणों में प्रीति होगी तभी तो नाम जपा जाएगा पाने के लिए, ऐसे नहीं। पहला यही है कानों के पास बाल सफेद होना। दूसरा नोटिस आता है आंखें कमजोर होना। भगवान कहते हैं संसार को देखना बंद कर, संसार की सुंदरता को छोड़ और भीतर मुझे देखने की चेष्टा कर, तेरे संसार से तो मैं कितना सुंदर हूं, भीतर देख। तीसरा नोटिस आता है दांत गिर जाते हैं। भगवान कहते हैं अब चटपटा खाना बंद कर दे, हाँ, अचार नमकीन खाना बंद कर, सात्विक दलिया खा, खिचड़ी खा, ताकि विचार सात्विक होंगे तो तेरा भजन तेज होगा। पर हमारे तो बाल सफेद होते तो काले करवा देते हैं, आंखें कमजोर हो चश्मा लगा दें, ये डरने की जरूरत नहीं, कभी कभी हम भी करवाते हैं, संचो का है। पर हम ही हम अभी बूढ़े नहीं हुए हैं, ये तो कोई हार्मोन्स की वजह से 16 साल की उम्र में ही बाल सफेद हो गए थे, लेकिन 50 पार करने के बाद में नहीं करवाना चाहिए। शर्मा जी आपको कह रहा हूं, हाँ जुगल किशोर जी, 50 के पार होने के बाद में बाल काले नहीं करवाने चाहिए। हमें तो अभी 47 के हैं, 47 के, 3 वर्ष और हैं, और 3 वर्ष हो जाएंगे फिर बाल सफेद यही रहेंगे।
पर हमें संकोच नहीं है कहने में, क्योंकि सभी को पता चल जाता है पहले बाल सफेद होते पीछे दाढ़ी सफेद होती, हमारी दाढ़ी तो दिखती है कि सफेद है, तो छुपे थोड़ी छुपेंगे, आप छुपा सकते हो क्योंकि दाढ़ी मूंछ घोट के महाराज, हम काहे छुपाए, कहाँ छुपा, इसलिए तो ये वक्ता लोग बाल काले करवाते हैं और दाढ़ी मूंछ चटा चट रखते हैं, जबकि एक कथा एक अनुष्ठान है, ध्यान रखें, अनुष्ठान तभी सफल होता है जब वक्ता गाने वाला संयम नियम का पालन करें, 9 दिन कथा चलें चाहे 7 दिन कथा चलें, सेव नहीं करें, बाल न कटाएं, पट्टे पे या भूमि पे शयन करें, हाथ से बना के भोजन करें, ध्यान रखिएगा ये उस नियम में है, ब्रह्मचर्य का पालन करें, तब उसकी गाई हुई कथा कोई तरह का विकार भीतर न आए, न काम न क्रोध न लोभ न मोह न मद, तो कथा गाई हुई सफल है। अब कथा भागवत करवाते हैं पितरों की मुक्ति के लिए, कि हमारे पितर है जो अतृप्त हैं, भूत बने हुए जो देव बन जाएंगे, हम बताओ महाराज, आगे नहीं कहूंगा, नहीं मेरे लोग चट्टा पकड़ेंगे, सही कहता हूं मैं। पर ये बाल सफेद हो जाए तब जीवन को घुमा दीजिए, जीवन की 4 अवस्था है, बालाश्रम, ग्रस्ताश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। देखिए हमारी गणित में भी अध्यात्म छुपा हुआ है, अब सुनिए, 49 तक गिनती सुनते हो, 50, 25 बालाश्रम, 25 ग्रस्ताश्रम, और जैसे ही 50 की उम्र पार हुई और जो ही एक ऊपर हुआ तो गिनती में क्या बोलते हो, 51, यानी हमारी गणित भी कहती है उसमें भी अध्यात्म छुपा हुआ कि अब वानप्रस्थी हो जा, 3रा आश्रम वानप्रस्थ है, 51 से लेके 58 तक कहते हैं वन वन, फिर भी जब वानप्रस्थ नहीं होता है तो कहते हैं 59, सठ कहते हैं मूर्ख को, अब तो सुधर जा, 59 से लेके 60, 61, 68 तक कहते हैं, फिर भी जब नहीं भगवान की तरफ रुख करता है तो फिर कहते हैं 69 कब तरेगा, तरने का सोच क्यों संसार में पड़ा है, 70 तक 78 तक कहते हैं, फिर भी जब नहीं भगवान की तरफ रुख करता है तो फिर कहते हैं 79, दुनिया हंसेगी, संसार हंसेगा, अब तो सोच, पर आहा हा क्या बात है, थोड़ा और कर लें, थोड़ा और कमा लें, क्यों इसी में लगे हुए हो ना, थोड़ा जोर से बोलिए, इसी में लगे हुए हो ना, क्या एक बात बताइए, जिसके पास ज्यादा पैसे हैं वो कभी दुखी नहीं होता, थोड़ा जोर से बोलिए, संसार में सुखी कौन, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिनो होते उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, एक सुखी हरि का दास, संसार में थोड़े थोड़े सभी दुखी हैं, एक सुखी है तो मेरे हरि का दास है, जिसने अपना जीवन फिकर सभी को खा गया के फिकर सभी का पीर, फिकर की पाकी करे कि उसका नाम फकीर, जीवन की कैसी भी स्थिति रहे कबहुक जीमन ठंडा टुकड़ा,
हरि कबूक जी मन ठंडा टुकड़ा। करना क्या है, क्या करना है? इसको भाड़ा देना है महाराज, सिर्फ भाड़ा। क्या फर्क पड़ता है उसमें? मैं तो रोज कहता हूं, सबको पता, जो मिर्जा ये हमारे महेश जी नए अभी अभी आए हैं, तो ये कहते हैं महाराज ऐसे कैसे करते हो आप? सुबह आटा गूंथता हूं, दो रोटी बनाता हूं, सुबह ही दो बना देता हूं, कौन बार बार झंझट करें। एक रोटी सुबह खा लेता हूं, एक बंद करके रख देता हूं, शाम को जाता हूं उसको खा लेता हूं, जय जय श्री राम। बार बार कौन चूल्हा जगाए, कौन बेले, कौन सेके, क्या करना? इसको एक टैक्स ही तो देना है। सुबह सब्जी बनाते हैं वही दो रोटी, सुबह वाली आधी सब्जी रोटी सुबह काम लेते हैं, आधी रोटी और सब्जी शाम। कबूक जी मन ठंडा टुकड़ा। कौन सज्जन आए थे अभी कि ऐसा थोड़ी होता है, महाराज जी ड्राई फ्रूट खाते हैं, फल खाते हैं। तो मैंने कहा मेरा कमरा ढूंढ लो भाई, कहीं संशय हो तो। मुझे कोई संकोच थोड़ी ना है, पर सही कहता हूं मैंने छोड़ा नहीं है, दिल होता ही नहीं कभी खाने का, तो क्या करें। अभी निकले थे दो दिन पहले, तो यहां से निकले तो एक गोलगप्पे वाला खड़ा था, तो लड़के बच्चे गोलगप्पा खा रहे थे, तो हमने हमारे मार साहब महेश जी से कहा, मैंने कहा महेश जी इनको गोलगप्पा खाते देख के मुझे अपने 25 वर्ष पहले याद आ गए, हम भी गोलगप्पा खाते थे। तो इन्होंने कहा महाराज अगर आप मर्यादा की वजह से नहीं खाते हो तो आप कहें तो हम ले आए कोई अच्छे से बनवा के। मैंने कहा नहीं, मन ही नहीं करता, लाने की जरूरत नहीं, घर में भी बच्चे बनाते हम कभी खाते ही नहीं है, क्योंकि मन करता ही नहीं है खाने का, मन सिर्फ रोटी खाई पेट भरा। कबहुक जीमन ठंडा टुकड़ा, हरि कबहुक जीमन ठंडा टुकड़ा, हे कबहुकी दपटो खीरो की, वारे वारे भाई ए वारे वारे भाई मौज फकीरा, ओ वा वा भाई मौज फकीरा रे। कबहुक जीमण ठंडा रे टुकड़ा, कबहुक जीमण ठंडा टुकड़ा, कबहुक जीमण ठंडा टुकड़ा, कबहुक जीमण ठंडा टुकड़ा, कबहुक कबहुक जीमण ठंडा टुकड़ा, कबहुक जीमण ठंडा टुकड़ा, कबहुक दपटा खीरा की, वारे वारे भाई वारे वारे भाई वारे वारे भाई मौज फकीरा, ए वा वा भाई मौज फकीरा रे। फकीरा दी अलगीरा दी, फकीरा दी अलगीरा दी, ओ फकीरा दी अलगीरा दी, वरे वरे भाई वरे वरे भाई वाह वाह भाई मौज फकीरा, वाह वाह भाई मौज फकीरा दी। Thank you.
ओढ़ण साल दोसाला, अरे कबहू के ओढ़ण साल दोसाला, 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 कबहू के गुदड़ी लीरो की वारे वारे भाई, वारे वारे भाई, वारे वारे भाई, मौज फकीरा भाई, मौज फकीरा रे। परिस्थिति में रहो पर हरि को याद करते रहोगे तो प्रतिकूल परिस्थिति में भी आप दुखी नहीं होंगे। दुख संसार में कहीं है ही नहीं, ध्यान रखें, दुख कहीं नहीं है संसार में, दुख है ही नहीं, दुख तो मन के अंदर है। अगर आप उस चीज को अपना समझ के दुखी होते हो तो बात है, बाकी महाराज दुख कहीं नहीं है। ज्यादा मिल गया सुखी हो गए, कुछ नहीं मिला दुखी हो गए। कितना भी इकट्ठा कर लो, कभी तृप्ति हुई है, थोड़ा जोर से बोले, होती है।
करोड़ रुपए कमाने वाला 5 करोड़ में हाथ डालता, 5 करोड़ वाला 10 करोड़ में। क्यों आईसी साहब, सही कह रहा हूं गलत? 10 करोड़ वाला 100 करोड़ में। इच्छाएं किसी की पूरी नहीं हुई, दर्श जी ने जैसे ही दर्पण देखा, कान के पास सफेद बाल देखे। लेकिन हम संक्षिप्त में लेके चलेंगे, अब राम जी को वनवास करा दें, नहीं तो फिर कल केवट प्रसंग नहीं सुना पाएंगे, 2 दिन रहे हमारे शेष। इसलिए वनवास की कथा को मैं बिल्कुल संक्षिप्त में लूंगा, फिर कभी जीवन में मौका मिला तो फिर सुनाएंगे, टेंशन का है कहां। दर्श जी वहां से उठे, वशिष्ठ जी के पास गए, जाके गुरुदेव से कहा, गुरुदेव राम को युवराज पद दे। वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है, कल ही दे देते। अवध में चारों तरफ आनंद छा गया, देवताओं को पता चला, देवताओं ने आपातकालीन बैठक बुलाई, इमरजेंसी मीटिंग। अगर राम जी राजा बन गए, हमारे दुख तो ऐसे ही रह जाएंगे। शारदा को भेजा कि आप जाके किसी की बुद्धि को बदलो ताकि राम जी को राज्य की जगह वनवास हो जाए। सरस्वती आई, मंथरा की बुद्धि को बदला। तुलसी जी ने लिखा, नाम मंथरा मंद मति तेरी के कई केरी, अजस पिटारी ताही करी गई गिरा मति फेरी। मंथरा ने जाके केकई को अपनी बातों में घुमाया, और वही केकई जो राम से प्रेम करती थी राम के विमुख हो गई। दर्श जी से बन के इच्छित वर मांगे, भरत के लिए अयोध्या का राज और राम जी के लिए वनवास। दर्श जी ने कुछ जवाब नहीं दिया, दुखी हुए। सुबह हुई, सभी अवध के लोग जुड़ गए महल के बाहर, आज बड़ा शुभ दिन है, आज राम जी राजा बनेंगे। पर सूर्य उदय के बाद में भी जब दर्श जी को आते ना देखा, मन में चिंता हुई। सुमंत जी को भेजा, सुमंत ने जब आके केकई महल में देखा तो दर्श जी मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। केकई से पूछा, क्या बात है महाराज, दुखी क्यों है? केकई ने कहा, रात भर से राम राम को याद करें, अब राम को भेजो। सुमंत जी राम जी के पास आए और कहा, आपको पिताजी याद कर रहे हैं, महाराज याद कर रहे हैं। राम जी पिता के पास आए, आज से पहले मेरे प्रभु ने कभी दुख देखा नहीं था। दर्श जी को मूर्छित अवस्था में देखा, मां से कहा, मां पिताजी को क्या हुआ? केकई कहने लगे, तेरे पिता तुझसे अति स्नेही करते हैं, ये उसी दुख उसका कारण है दुख। ये मेरा सौभाग्य है मां कि पिताजी मुझसे स्नेह करते हैं, लेकिन मेरे स्नेह के कारण पिताजी के दुख हुआ। पूरी बात स्पष्ट करें। केकई ने जब ये कहा कि मैंने तुम्हारे पिता से वचन मांगा, तेरे लिए 14 वर्ष का वन और भरत के लिए राज, राम जी नाचने लगे। आहा, तुलसी जी कहते हैं राम जी कहने लगे, सुन जननी वसुते बड़भागी मातु पिता जो वचन अनुराग। वो बेटा बड़ा भाग्यशाली होता है जिसे माता पिता की आज्ञा पालन करने का सु अवसर मिलता है। तनय मातु पितु तो शनिहारा दुर्लभ जननी सकल संसार। मुनिगण मिलन विशेष बन सकल भातीत मोर, ते मा पितु आयस बहुरी जननी सम्मत तो। दोषिनहार पुत्र बहुत कम होते हैं मां, मैं वन में जाऊंगा, मुनियों के दर्शन करूंगा, संतों से मिलूंगा,
मेरे कितने ही बड़े भाग्य हैं, और उसमें भी ये सौभाग्य मुझे मिलेगा पर आपकी और पिताजी की आज्ञा से मिलेगा। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात तो यह है मां, भरते प्राण प्रिय पावीरा विधि सब विधि सन मुख मोहि आ जो निजाओ बने ऐसे ही काजा प्रथम गन ही मोहि मूड समा। अगर इस अवसर पे भी मैं वन में नहीं गया तो संसार में मूर्खों की गिनती होगी, तो मां सबसे पहले नाम मेरा आएगा। पर एक बात कहूं मां, इस छोटी सी बात के लिए पिताजी को इतना दुख लगता है मां, मुझसे बहुत बड़ा कोई अपराध हो गया। केकई कहने लगी, राम तुमसे अपराध नहीं हो सकता, तुम अपराध जोग नहीं ताता। राम जी ने कहा, मां अगर हमसे अपराध नहीं हुआ तो फिर ये वन क्यों दिया जा रहा हमें। केकई ने कहा, मैं तुझे अपराधी बना के नहीं भेज रही हूं राम, मैं तो तुम्हें तपस्वी बना के भेज रही हूं। मां कोई तपस्या करने जाता है ना तो उसमें कोई ना कोई हेतु, कोई कल्याण का कार्य होता है, तो मेरे तपस्या जाने से किसका हित होगा। तो केकई ने कहा, जननी जनक बंधु सुखदाता, आपकी जननी का हट पूरा होगा, आपके जनक का वचन पूरा होगा और आपके भाई भरत को राज मिलेगा। राम जी दशरथ जी से कह के कौशल्या के महल में आए। कौशल्या जी हाथ से पीताम्बर सील रही थी। देखिए अवध के महल का दृश्य देखिए। कौशल्या अम्मा के मन में इतना आनंद है, इतनी उमंग है, आज मेरा राघव राजा बनेगा, अपने हाथ से सिला हुआ पीताम्बर हम पहनाएगी। राम जी जैसे ही गए, कौशल्या जी ने कहा, राम अभी तक पुत्र ऐसे ही घूम रहे हो, जाओ पुत्र जो मन में आए वो खा लो, आज तो बड़ा शुभ दिन है, तुम्हारे पिता आज आपको युवराज पद दे रहे हैं। राम जी ने कहा, मां युवराज पद बड़ा होता है कि राज। कौशल्या जी ने कहा, राजा का पद बड़ा होता है। तो राम जी कहने लगे, मां मुझे पिताजी ने राजा बना दिया। राजा बना दिया? कहां का राजा बना दिया? बाजे तो नहीं बजे? राम जी ने कहा, राजा बना, बाजे तो वहां बजेंगे जहां का मैं राजा बना हूं, कहां के राजा बनाए। राम जी कहने लगे, पिता दीन मोहि कानन राजो जस विभाति मोरी बड़ी काजू। पिताजी ने मुझे कानन यानी वन का राज दिया है, जहां सब प्रकार से मेरा काम है, मैं आपसे आज्ञा लेने आया हूं। राम जी हाथ जोड़ के कहने लगे, मा तुम उदित मन आय सुताता जय मुदि मंगल कानन जाता। अब प्रसन्न मन से हमें आज्ञा दीजिए ताकि मेरा वन मंगलमय हो। कौशल्या जी के हाथ से पीताम्बर नीचे गिर गया है। कहने लगी, मां राम ये क्या हो गया, ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें पिता ने वनवास दे दिया। तात तुम्हें पितु प्राण प्यारे देखी तात नित चरित तुम्हारा।
राज दीन को शुभ दिन साधा जान कहूं बन के ही अपराधा। तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो, रात देने का शुभ मुहूर्त सोदा, और ऐसा आपसे क्या अपराध हो गया जो आपको वन दे दिया, मुझे बताओ। राम जी ने कुछ कहा नहीं, मंत्री पुत्र के सामने इशारा किया, पूरी बात सुनाई। कौशल्या जी कहने लगी, एक बात कहूं ना, अगर तुम्हें तुम्हारे पिता ने वनवास दिया है तो पिता से मां का अधिकार बड़ा होता है। जो पितु केवल आयसुता तो जन जाए होई बड़ माता। अगर केवल पिताजी ने आदेश दिया है तो मां का अधिकार बड़ा होता है। मैं तुम्हें कहती हूं तुम्हें नहीं जाना। राम जी ने कहा, अगर माता पिता दोनों कह दे तो? माता किसने कहा? राम जी ने कहा, केकई अंबा ने। कौशल्या जी की आंखों के सामने वर्षों पुराना चित्र आ गया। जब राम जी बिल्कुल छोटे थे, कौशल्या मन में नित्य विचार करती थी कि राम मुझे कब मां कहेंगे, लेकिन कौशल्या जी का वो इंतजार पूरा हुआ। आज मेरे प्रभु ने मां का आंचल पकड़ के कहा, मैया। कौशल्या जी कहने लगी, राघव मैं तेरी मैया नहीं हूं, तेरी मैया तो केकई अम्बा है। कौशल्या सोचने लगी, जिस बालक को मैंने ये संस्कार दिए, अगर आज मैं कहूंगी कि केकई होती कौन है तुम्हें बन देने वाली, गया हुआ राज्य तो वापस मिल जाएगा लेकिन संस्कार चले गए तो फिर नहीं आएंगे। कौशल्या जी कहने लगे, जो पितु मात कहे बन जाना तो कानन सत अवध समान। अगर माता पिता दोनों वन जाने का कह रहे हैं तो राम पुत्र वन जाओ, आपके लिए वन सो अवध के समान। पितु बन देव मातु बन दे कग मृग चरण सरोरों से। आज के बाद में आपके पिता वन देव है, आपकी मां वन देवी है। राज दीन कौ दीन मन सोइन मोई दुख ले सु। आपको राज देने का कह के वन दे दिया राघव, उसका मुझे दुख नहीं है। तुम बिन भरत ही भूपति प्रजही प्रचंड कलेश। आपके बिना भरत महाराज और प्रजा प्रचंड कलेश सहेगी। बड़ भागी बन अवदया जय रघुवंश तिलक तुम त्यागी। बड़ भागी तो ये बन है, अभागा ये अवध है जिसे आप छोड़ के जा रहे हैं। एक बात कहूं राघव, कौशल्या जी रोते रोते कहने लगी, या को नहीं कछु दो सही पुर के सब लोग
गजो दोष धरेंगे। मुझे इस बात की चिंता नहीं, इस बात का भी मुझे सूच नहीं है कि नगर के लोग कहेंगे कि सबके घर में हुआ, वो इनके घर में भी हुआ। के कई कोन कछु अपराध लिखे विधि ले कनटारे तरेंगे। मैं केकई को भी दोष नहीं देती, केकई का भी कोई अपराध नहीं है, विधि के लेख को कौन मिटा सकता है। कुछ बात बिंदु जी महाराज कहते हैं, बिंदु यही एक शाश्वती है, बिंदु यही एक शाश्वती है, कछु और अनंत के बद्र परेंगे। मन में एक ही बार बार दुख होता है, लगता है कोई बहुत बड़ा वज्र गिरने वाला है। राम जी ने कहा मां कैसा वज्र? कौशल्या जी कहने लगे लाल तिहारे, लाल तिहारे सिद्धार्थ ही महिपाल हो मोई अनाथ करेंगे। लाल जी आप केह को त्याग देंगे, महाराज देह को त्याग देंगे, मैं जानती हूं उनको, वो आपके बिना जीवित नहीं रहेंगे। लाल तिहारे सिद्धार्थ ही महिपाल हो अनाथ करेंगे। पर जाना है जाइए। सीता जी आती हैं, जानकी जी मांग करती हैं, कौशल्या जी समझाती हैं, पर सीता जी नहीं मानती है। राम जी सीता जी को स्वीकृति देते हैं, लखन आते हैं, लखन भी वही मांग करते हैं। राम जी कहते हैं मां से आज्ञा ले आओ। लखन सुमित्रा अम्बा के पास जाते हैं। सुमित्रा जी कहती हैं लखन तुम मेरे पास आए हो, तात तुम्हारी मातु वे देही पिता राम सब भांति स्नेह, जो पेशी राम बन जाई, जो पेशी राम बन जाई अवध तुम्हारे काज कछु नाही। अगर सीता राम जीवन में जा रहे हैं लक्ष्मण, इस अवध में तुम्हारा कोई काम नहीं, जाओ। पर एक बात ध्यान रखना, उपदेश यह जई तात तुमरे राम सिय सुख पावही, पितु मातु मातृ प्रिय परिवार पुरजन श्रुति बन बिसरावही। मेरा तुझे उपदेश इतना ही है लखन, वन में जाओ पर वो यत्न करते रहना कि राम और जानकी परिवार की श्रुति बिसरा दे, भूल जाए तेरी सेवा से। तुलसी प्रभु सिख देई आय सुदीन पुनि आशीष दई रति हो अविरल विमल सी राम पद नित नित नहीं। सीताराम जी के चरणों में तुम्हारी प्रीति अविरल नित नूतन बढ़ती रहे। जा
लखन जी आए, तीनों के कई के पास गए, वलकल पहने हैं मेरे प्रभु ने, पिता के पास आए हैं। दशरथ जी ने राम जी को जब तपस्वी रूप में देखा, जिस पुत्र को राजा बने हुए देखना चाहते थे, उस बेटे को आज वनवासी के रूप में देख अवधेश रूप में कहने लगे, तुम कहो राम समय को कही राम चरा चर नायक अही, शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी देत ईश फल हृदय विचारी। राम तुम्हें मुनि कहते हैं कि तुम तो चराचर के नायक हो, शुभ और अशुभ व्यक्ति जैसा कर्म करता है भगवान उसको उसके कर्म के आधार पर फल देता है, पर एक बात कहूं लाल, और करे अपराध को और पाव फल भो, अति विचित्र भगवत गति को जग जाने जो। अपराध कोई और करे उसका फल कोई और भोगे, एक कैसी गति है। तपसी का बेश धर के भगवान बन चले, तपसी का बेश धर के देखा पिता ने रूप तो आंसू निकल पड़े, राम जी को तपस्वी के वेश में देखा अवधेश रोने लगे। तीनों चले हैं, सुमंत से कहा कि आप जाइए, राम लखन जानकी को रथ में बिठा के चार दिन घुमा के ले आए। सुमंत जी ने आके राम जी से कहा, रथ में बिठा कि राम को चल तो दिए सुमंत, खींची जो रास रोस में, खींची जो रास रोस में घोड़े मचल पड़े, तपसी का वेश धर के भगवान बन चले, तपसी का वेश धर के। जो ही रथ में सुमंत जी बिठा के चले हैं, घोड़ों की लगाम को खींचा, घोड़े हिनहिना के चलने को तैयार नहीं है। छोड़ा लोगों ने घर को प्रभु के संग चले, रोका सबको राम ने, रोका सबको राम ने, सब जन रो पड़े, तपसी का वेश धर के भगवान बन चले। अवध के लोग दौड़ने लगे, प्रभु को कहने लगे, हम आपको जाने नहीं देंगे, राजा राज प्रजा पे करता है, हम प्रजा जन आपको नहीं जाने देगी, फिर भी आप जा रहे हो तो हम आपके साथ में चलेंगे, आपके बिना अवध में रहेंगे। राम जी समझा रहे हैं पर अवध के लोग मान नहीं रहे हैं। घर देखते हैं तो घर शमशान के सम दिखता है और परिजन भूत के सम, और ये सही है महाराज, जीवन में राम नहीं है तो घर कैसा कैसे समाज। लोग नहीं माने, दौड़ते हुए राम जी के साथ चलते चलते तमसा किनारे आए हैं,
मेरे प्रभु ने रथ को रोका है। थके हुए थे अवध के लोग, सभी सो गए, कुछ तो थकान कुछ देव माया, सबको नींद आ गई। तमसा के किनारे सभी सो रहे हैं, एक जाग रहे हैं, कौन? लखन। लखन की पहली विरासन रात है। लखन ने जो ही चारों तरफ नजर घुमाई, जो ही सीताराम जी को नदी के किनारे उस पथरीली भूमि पे सोते देखा, लखन रोने लगे। धीरे धीरे सुबह की आंख तेज हुई, सुमंत जी की आंख खुली, सुमंत जी आए, लखन जी को रोते देखा। सुमंत को देख के लखन सुमंत जी के हृदय से लग के रोने लगे, कहने लगे, मन परिवार मैं कैसे सहन करूंगा, क्या अपराध किया था केकई अम्बा का मेरे प्रभु ने जो उनको वनवास दे दिया, कैसे मैं 14 वर्ष तक इस स्थिति से सामने। जोर जोर से लखन रोने लगे, लखन के सुबकियां और तेज हुई। राम जी जानकी जी उठ गए, राम जी ने कहा कौन रो रहा है? सुमंत जी ने कहा लखन भैया मेरे प्रभु पास आते हैं। सीता जी स्नेह से सर पे हाथ रखती है और कहती है लखन भैया ऐसे धीरे त्याग दोगे तो 14 वर्ष कैसे बीतेंगे? और एक बात ध्यान रखें, आप जैसे भाई जिनकी सेवा में संग हो उनको कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में कोई दुख नहीं हो सकता, आप धैर्य रखें। लखन को समझाया, मेरे प्रभु ने नजर घुमाई, सभी अवध के लोगों को सोते देखा, सुमंत जी से कहा अभी चलेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु इनको ऐसे ही छोड़ के जाएंगे, ये सुबह जब आपको नहीं देखेंगे तो कितने दुखी होंगे, कितने रोएंगे। राम जी ने कहा लखन मुझे नहीं देखेंगे तो ये 2 दिन रो के दुखी हो जाएंगे, लेकिन फिर तो घर जाके कम से कम आराम से रहेंगे, पर भाई इनको साथ में ले जाऊंगा तो ये 14 वर्ष तक कितने कष्टों को सहेंगे, इसलिए ये 2 दिन के दुख के लिए मैं इनको 14 वर्ष तक कष्ट में नहीं डाल सकता। ऐसा कह के सुमंत से कहा रथ जोतिए। सुमंत जी ने रथ जोता, मेरे प्रभु रथारूढ़ होके वन की यात्रा को आगे प्रारंभ किया है। अवध के लोग सुबह उठे, राम जी को ना देख के चारों तरफ भागने लगे, दौड़ने लगे, रोने लगे, फिर एक दूसरे को समझा रहे हैं राम जी हमें छोड़ के चले गए, अब तो एक ही है वापस अवध चलें और प्रभु के आगमन की राह देखें। एक दूसरे को ढाढ़स बंधाते हुए रोते हुए सभी अवध के लोग वापस अवध आए और मेरे प्रभु वन की यात्रा को आगे चले। आज की कथा को हम यहीं विराम करेंगे, पर जब तक आरती का न कहें आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है, बैठे रहो, थोड़ा तो विवेक रखो, ज्यादा नहीं, थोड़ी अपेक्षा रखता हूं आपसे, इतनी मर्यादा का पालन करो, फिर आपकी मर्जी है, हम क्या कहें। जय श्री राम। आज तो प्रसंग इस तरीके का रहा कि करुणा की बरसात हुई है, आज चौपाइयों के माध्यम से करुणा रस का करुणा रस के द्वारा पहले सीता जी की विदाई, फिर भगवान विश्वामित्र जी की विदाई और उसके बाद में राम वनवास का आपने वृतांत महाराज जी के मुखारविंद से सुना। इसी के साथ हमने 7वें दिन की कथा को विराम दिया है। मैं मानस आरती के लिए जिन भक्तों का वो नाम उच्चारण करूं, कोई वो मंच पर पधारें।
श्रीमान श्याम सुंदर जी सैनी उषा सैनी, इस कथा के आयोजक श्री राजेंद्र जी सैनी, श्रीमती सरोज सैनी, श्री प्रवीण सैनी और शिल्पा सैनी, आपसे अनुरोध है कि मानस आरती के लिए आप व्यासपीठ मंच पर पधारें। कथा के संयोजक श्री शिव कुमार जी मिश्रा, श्रीमती पुष्पा मिश्रा, आप भी मानस पूजा आरती के लिए पधारें। मैं श्रीमान आईसी अग्रवाल जी जयपुर, वेद श्री कृष्ण जी बोरा निवारू, सुधीर माथुर अलवर, मुकेश जी सैनी अलवर, श्री गिरधारी जी कौशिक, रमेश जी शर्मा कालू वाले, आर के उदयवाल, रमेश कुमार जी मिश्रा, बाबूलाल जी कालू वाले, मैं निवेदन करूंगा कि आप भी मानस आरती के लिए व्यासपीठ मंच पर पधारें। गोपाल लाल अग्रवाल, गोपाल जी सैनी शास्त्री नगर, रामकरण जी सैनी विश्वकर्मा एरिया, दिनेश जी सैनी शास्त्री नगर, नारायण जी सैनी संतोष गैरेज से, श्रीमान मनोज जी सैनी निवारू रोड से, गजेंद्र सुमन मिश्रा, सोनू धर्मेंद्र शर्मा, मेनका रवि तिवाड़ी, श्याम जी काबरा कोटा, रामोतार कमला टेलर खादी कॉलोनी से, आपसे निवेदन है कि आप भी मानस आरती के लिए पधारें। लक्ष्मी नारायण जी सोनी, जो हमारे ऋषिकेश में जिन्होंने अभी पहले कथा करवाई, जिसके आयोजक रहे, मैं उनसे भी कहूँगा वो भी आरती के लिए। सूरजमल जी अग्रवाल, रामावतार सीता मोर, कुंज बिहारी जी खादी कॉलोनी से, मूलचंद जी अग्रवाल निवारू, लूणकरण जी शर्मा, श्रीमान रामावतार जी चौहान जोधपुर वाले, राधेश्याम जी सैनी पार्षद निवारू रोड, आपसे भी निवेदन है कि आप मानस आरती के लिए पधारें। श्री विष्णु जी शर्मा हसनपुरा सुपर लाइन कारगा, मंजू अग्रवाल वैशाली नगर, ज्ञान प्रकाश निर्मला शर्मा, सुनीता धर्मेंद्र शर्मा, सुरेश जी सैनी एडवोकेट आनंदपुरी, प्रहलाद जी लाटा कलकत्ता वाले से भी निवेदन है कि वो भी मानस आरती के लिए पधारें। साथ में दिनेश जी सैनी और लक्ष्मी नारायण जी शर्मा, आपसे भी निवेदन है कि मानस आरती के लिए आप पधारें। जय श्री राम। हरि शरणम् 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 हरि हरि शरणम् 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 हरपूर गौरव करुणावतारम् पुराण अष्टदश छोचाष्ट सब
जन को रस सुनि जन धन संतन को सर बस कायन से सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित दर कसिय जी की गावत संतत शंभो संभवनि विज्ञानि व्यास आदि कवि वरद बखाने हर वसंति गरुड़ के ही की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित दरित सिय की परिमल हरणि विषय रस पीकी सुभग सितार रोग भव मोरी अभी की दात माते सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित दरित सिय की आरती किज हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की जाके बले जाते महाबलदाई संकल के प्रभु सदा सहाई देवी रघुनाथ पठाए लंका जारी सिया सुखियाट समोर सिखाई जात पवन सुत बार लाई लंका जारी सुर राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मोर चित पड़े सकारे आने सजीवन प्राण उबारे बैठ पताल तारी चमकारे अहि रावण के भुजा उतारे आए भुजा असुर दल मारे कहि भुजा संत जग तारे सुर नर मुनि जन आरती उतारे प्रभु कीरति आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय हनुमान बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय उमापति महादेव की जय श्री बाल कृष्ण भगवान हनुमान जी महाराज की जय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय सतगुरु भगवान की जय गौ माता की जय हरिओ नम पार्वती पते हर 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 महा बार बार वर मांगाऊं अरस देऊं श्री रंग पसरो जन पानी भगत सदा सत संका में नारी प्यार जिम लोभी प्रिय जिम दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागय मो ओम जगनेन जगनमय दंत देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नते हनाकं महिमाना सजन्ते पूर्वे साध्या संति देवा ओम दासरताय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् श्रीवंति काम कुल चंपक पाडलाजे पुण्याग जाति गर्वेल रसाल पुष्पे विल्व प्रवाह तुलसीदल मंजने में स्वाम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथात कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहणं परमेश्वर सुमद सुगंधित सुमन ले सुमन सुदृष्टि विचार
पुष्पांजलि अर्पण करो राम करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव बोलि श्री अवर रामचंद्र भगवान की जय।